भारतीय स्टेट बैंक की समृद्धि शाखा के शाखा प्रबंधक पवन बसी दिनांक 31 जुलाई 2023 को बैंक से 33 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। पवन बसी ने 4 जनवरी 1990 को स्टेट बैंक में बतौर क्लर्क सेवा शुरू की थी और सन 2011 में अधिकारी के रूप में प्रमोशन लिया। पवन बसी सन 2015 से लगातार शाखा प्रबंधक रहे और उनको बैंक की जालंधर की प्रतिष्ठित समृद्धि शाखा दी गई। इस अवसर पर सभी ने अपने अनुभव सांझे किए और बसी जी को उनकी सेवाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी किया। इस भाव विभोर कर देने वाली विदाई के अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधिका अनुपमा शर्मा, संजीव चौधरी, सविता कुमारी, शाखा प्रबंधक नरेश कुमार, नरेंद्र कुमार, नितिन बांसल, कॉमरेड राजेश वर्मा और रमेश कुमार सहित समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। पवन बस्सी को घर ले जाने के लिए कार्यक्रम में उनकी पत्नी श्रीमती मीना बस्सी, पुत्र गौतम, गौरव और पुत्र वधू रिया और पोता त्रिशान और उनके पुराने मित्र दविंदर अरोड़ा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार बिल्कुल भी नहीं था। तो बिल्कुल पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि एज एन आरएम और एज एन ऑफिसर बैंक में बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों की ट्रांसफर्स हुई है, लीविंग की है, लेकिन बस्सी जी की आज जो रिटायरमेंट है इसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। 31 जुलाई अगर मेरे बस में होता तो मैं 31 जुलाई की डेट शायद अपने कैलेंडर से ही मिटा देती, क्योंकि बस्सी जी जैसा इंसान, बस्सी जी जैसी शख्सियत और बस्सी जी जैसा ऑफिसर डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों की तालियों की जो गड़गड़ाहट है ये साबित कर रही है कि सभी लोग इस बात से मेरे वाकिफ रखते हैं, सभी लोग इससे एग्री करते हैं। और आज के मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिलों में बसने वाले श्री पवन बसी जी और उनके साथ उनके धर्मपत्नी, उनके बच्चे, इन सब का मैं अपनी तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आज इस प्रांत में जो आपकी विदाई की पार्टी रखी गई है उसमें आपने शामिल होकर हम सबको मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सकें। सबसे पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरेटर सर्कल और लुधियाना मंडियों जनरल सर्कल से इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके परिवार वालों को, और परमात्मा से प्रार्थना करवाऊंगा जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ इन सर्विस पास की है ऐसी ही और या इससे और अच्छी आपकी वृद्धि हो, दुख का साया भी आपके आसपास ना हो, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और लोगों के काम आते रहे। एंड ऑल माय डियर कोलीग्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस द स्पेशल इवेंट व्हिच इज बोथ बिटर एंड स्वीट एट मिस्टर पवन कुमार बस्सी रिटायरिंग टुडे। इवन दो वी आर सैड टू बिड goodbye to our respected colleague, we are happy that he would now be able to spend his time for his family and friends. Mr. Pawan Bassi worked for around 34 years in our organization. He gave a great contribution in the growth and expansion of our organization. Let me not miss the opportunity of saying a few words in his honor. Mr. Bassi is known for his commitment and the dedication to the work. His attitude toward the work has always been an inspiration for all of us. During his tenure in the organization, he has done many wonderful tasks like social working, etc. Although he is leaving the organization today, the kind of work culture and attitude he has built will stay with us forever. On behalf of our organization, I would like to thank Sir for sharing your valuable idea and opinion with us.